अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ सियालकोट रेलवे स्टेशन, सियालकोट जंक्शन में, और आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं एक आपको बहुत सी जो है स्पेशल किस्म की चीज़ बताने जा रहा हूँ, ख़ासतौर पर रेल फैंस के लिए। जो रेल फैंस हैं, जितने भी जो रेलवे से मोहब्बत करते हैं, रेलवे से प्यार करते हैं, तो इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करनी है ज़रूरी। तो चलिए आज का ये जो इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, जो मकसद है मेरा बनाने का, वो मैं शुरू करता हूँ। रात का टाइम है, इस टाइम तकरीबन 7:45 बज रहे हैं, और मैं जो है सियालकोट स्टेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आया हूँ। सो मेरे यहाँ पे सियालकोट रेलवे जंक्शन पे आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने मेरे कुछ व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें मैंने RG20 लोकोमोटिव्स जो हैं, जो किंग कहा जाता है, जिनको पहाड़ों का बादशाह कहा जाता है, कोयटा साइड पे चलते हैं, कोयटा, चमन, सिब्बी, तो वो पाकिस्तान रेलवे ने क्या किया है कि वो लौट कर दिए हैं लाहौर को 5102 से लेके 5106 तक। तो अब वो जो है यहाँ पे लासानी एक्सप्रेस है, जो कि लाहौर से सियालकोट आती है, वो अभी पहुँच रही है थोड़ी देर में, और आज जो पावर लगी हुई है 5105। तो मैं सिर्फ उसको कवर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और मैं पहला बंदा होऊंगा जो आपको ये दिखा रहा है कि जो सियालकोट में हमारे पास जो पहाड़ों का शहजादा जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो मैं स्पेशल काफ़ी दूर से ये आपको दिखाने के लिए आया हूँ, और मेरे इस व्लॉग को आप इंजॉय करें, और ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लोगों को, काफ़ियों को तो पता होगा लेकिन कवरेज शायद किसी ने की हो, तो मैंने कहा रात को इस टाइम ये अंधेरा भी है ज़रा, और जो क्वालिटी है कैमरा की वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने तो आपको कवरेज दिखानी है। तो मेरे साथ रहिए, और बाकी मैं आपको थोड़ा सा व्यू, ये जो खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल सियालकोट रेलवे स्टेशन में हूँ, अंधेरा काफ़ी है, थोड़ी बहुत लाइटें हैं, इसमें कवरेज ज़रा होगी। तो बस अब हम वेट करते हैं, ट्रेन का जो ही आती है और आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं जा रहा हूँ, सामने अंधेरा है, लेकिन वो सामने अगर आप देखें जूम करके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको कहते हैं ड्रामा वाला चौक, और इसके आगे जो है ये ट्रेन्स हैं जो गुजरती हैं यहाँ से, और सिग्नल है। इस सियालकोट का बिल्कुल पहला जो है जिसको कहते हैं फाटक, वो यहाँ पे आता है, और ये देखिए सियालकोट जंक्शन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी अंधेरे में सही नज़र नहीं आ रहा होगा, और अभी जो ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है सियालकोट जंक्शन, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। यहाँ पर अभी लासानी एक्सप्रेस ने आना है, और RG20 5105 का वेट है, वो जो ही आए और हम यहाँ पे कवर करें। और ये सियालकोट का इस टाइम स्टेशन बिल्कुल वीरान हुआ हुआ है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, बाकी इसके अलावा एम्प्टी स्टेशन है, यहाँ एक आध बंदा कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए ट्रेन का वेट करते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। सियालकोट का ASM ऑफिस, ये हमने विज़िट किया। सो गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप ये देखें आखिरकार ये आ गई है ट्रेन लासानी एक्सप्रेस, और इसको लीड कर रहा है RG20 5104। ये देखें 5105 का हमें पता चला था, लेकिन 5104 ने लीड किया। ये हम जाते हैं आगे इसको देखने के लिए। अब ये कोयटा की जगह ही आप देख रहे हैं, लाहौर लिखा हुआ है। मुझे पता चला था कि 5105 आ रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे भी थोड़ी सी रॉन्ग मिली है, लेकिन अगेन RG20 तो आ गया 5104 लाहौर की, जो पावर आपको LHR लिखा हुआ है, ये आप जूम करके देखें ये। तो हम चलते हैं आगे और मिलते हैं। ये देखिए 51-4, अभी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो है हम जाके इसको करें। सो
सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब जो आप ये देखें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये लाहौर लिखा हुआ है इस पावर को 5104RG20, और इसकी साउंड सुने आप। मैंने अभी रिक्वेस्ट की है असिस्टेंट ड्राइवर से कि हम जो है आगे जाएं और बैठें और थोड़ा सा कैब राइड लें, एंजॉय करें, तो देखें क्या कहते हैं। और ये देखिएगा, इसमें कोच लसानी एक्सप्रेस में अच्छी भी लगी हुई है, चाइनीज CNR कोच है, ये देखें 114110। तो फिर हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। इंजन की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं, क्या जबरदस्त साउंड है, चगिंग साउंड इसकी। जो कि कभी पहाड़ों का शहजादा कहलाता था और है भी, लेकिन अब ये वहाँ पे नहीं है, अब ये बलूचिस्तान में नहीं है, अब ये आपको पंजाब में नज़र आएगा। आप इसको पंजाब में देखेंगे, पंजाब में, लाहौर में, सियालकोट में। ये देखिए इसका विसल, और हम चलने की कोशिश करते हैं आगे। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब जो है हम चलते हैं ऊपर इस RG20 अपने फेवरेट लोकोमोटिव के 5104 जो है, और इसमें आपको ऊपर जाके बताते हैं, दिखाते हैं आपको, बाहर का व्यू भी दिखाएंगे इसका यहाँ से, और नज़ारा ये सारा दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रंट का कितना ज़बरदस्त व्यू है, तो आगे चल के आपको फिर विजिट करवाते हैं। सो ये कैब का आप अंदर का नज़ारा देखें 5104 का, जैसे कि बाहर का तो आप देख ही रहे हैं, और ये देखिए आगे, ये हमारा सारे ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, RG20 जो हम क्वेटा में देखते थे, मीटर भी लगा हुआ है, और ये मेरी सीट, अब मैं इधर बैठ जाऊँ इस तरह करके आराम से, और थम्स अप अगेन, अच्छी बात है ये आए यहाँ पे। सियालकोट जंक्शन को देखिए लिखा हुआ है, सो अभी हम जब चलेंगे आगे तो फिर आपको आगे का व्यू दिखाएंगे जब टर्न टेबल करना है। ये देखिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ, ये देखिए सियालकोट जंक्शन, ये विसल, साउंड सुनिए आप कितनी जबरदस्त है इसकी साउंड। विसल RG20 का अलग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट है RG20 का विसल।
पीछे बैक पे, और ये आप देख सकते हैं बैक पे। अच्छा, यहाँ का एक जो एक खूबसूरती की बात ये है कि यहाँ पे जो टर्न टेबल है वो ट्रायंगल है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है अभी। हम जिस तरह पहले हम आगे आए थे और आगे आके अब हम पीछे जा रहे हैं। ये मैं आपको अगर इधर से भी दिखाऊँ, ये देखें आप इधर से जाए, हम पीछे जा रहे हैं। ये RG 25104 5104। अब हम पीछे जाके क्या कुछ कह रहे थे, वो उन्होंने कांटा चेंज किया है और आगे से जो है अभी हम पीछे जा रहे हैं। पीछे जाके देखते हैं, हमने फिर सीधा जाना है। ये देखिए, ये जैसे कि आपने पटरी को देखा अपने मूव होते हुए, ये देखें ये एंगल ये चेंज हो रहा है, नीचे देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट पे आ गया। और अब जो है हम सीधा जाने लगते हैं। हमने चलना शुरू किया है और हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ट्रायंगल टर्न टेबल का एक अपना ही मज़ा है, और ये देखिए कुछ पड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे अच्छा लग रहा होगा। RG 25104, enjoy the ride with me. हम पहले उस लाइन पे गए, फिर हम दूसरी लाइन पे आए, अब एक और लाइन आ रही है। गाड़ियां सामने हैं बिल्कुल, ये है जो मैं आपको पहले बता रहा था ड्रामा वाला चौक। यहाँ से जो है अभी मैं भी थोड़ी देर पहले गुजरा था। चलें जी, अब हम ये ट्रायंगल साइड पे देखते हैं उधर जाके। और अब हम इधर पीछे की तरफ आए हैं। रिवर्स मोड पे जा रहे हैं हम और ट्रायंगल पे जा रहे हैं। पीछे की लाइट्स ऑन की नहीं है और अपने स्लो स्लो जा रहे हैं। स्पीड लिमिट बहुत कम है, 5 की है। इंजॉय करें आप साथ साथ मेरे ब्लॉग। इसकी चुगिंग अभी बहुत, क्योंकि नॉच कम लगा हुआ है इसलिए कम पे। तो ये आपने देखा जैसे हम वहाँ से आ रहे हैं, वो देख रहे हैं आप उस जगह से आ रहे हैं, वहाँ आगे थे हम पहले, वहाँ से पीछे आए और पीछे से आगे, फिर हम दोबारा इधर आ गए मेन साइड पे। और यहाँ पे जाके और यहाँ से दूसरी लाइन पे जाएंगे।
ये वो दूसरी लाइन आ गई है जहाँ से हमने जाना है इस तरफ, ये वो लाइन आ गई। ये विसल आपने देखा मैंने बजाया RG20 का, थोड़ा सा ख़राब है लेकिन चलें गुजारा है। और अब हम जाएंगे स्ट्रेट, अब जो है फॉरवर्ड आ रही है, देखें ये चेंज होगी आगे से लाइन। और अब हम दोबारा आगे की तरफ जाने लगे हैं। हम इस लाइन से आए थे, ट्रायंगल इसको कहते हैं, राइट वाली जो लाइन है, और अब हम लेफ्ट वाली पे जाएंगे तो हम जो है हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। रात का मौसम और रात की ब्यूटी एंजॉय करें, मौसम बहुत मज़े का है। डबल साइडेड जो है विसल है लेकिन ख़राब हो चुका हुआ है, वो सामने जो आई थी तस्तानी एक्सप्रेस गाड़ी वो आप देख सकते हैं। वो सामने खड़ी हुई है और नीचे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कचरे वाली लाइन है और ये जो ट्रेन लासानी एक्सप्रेस है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अली नाम है इसका। गाइस एंड गर्ल्स, मैं जो है अपना ब्लॉग यहाँ पे आगे जाके एंड करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और जितना स्प्रेड कर सकते हैं करें, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और खुशी होगी और मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में। सियालकोट जंक्शन को गुड बाय कहते हैं, टेक केयर।